हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। सभी मीडिया वालों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और अपने आए हुए हमारे कलाकार, टेक्नीशियन और हमारे गेस्ट लोग, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। दूसरी बात कि मैंने लव युद्ध टाइटल क्यों लिया, इसके पीछे ये है, मैं कहानी का सब्जेक्ट थोड़ा सा वन लाइन में बता रहा हूं कि आज के दौर में
हमारी संस्कृत है जो धूमिल हो रही, यानी कि हम है जो अपनी संस्कृत अपनी तहजीब उसको मैं कहीं तक है जो खो रहा हूँ, तो उसको मैं इसीलिए मैंने ग्लोरी जी को कास्ट किया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो नृत्य पे आधारित है। तो नृत्य पे आधारित इसलिए कि आज लोग फोक में फरवाही, लाचारी, बिरहा, नौटंकी, कठपुतली, आला, ये सब हमारा है जो आज के दौर में इंटरनेट के ज़माने में सब खत्म हो रहा है। एक ऐसा परिवार है जो सदियों से है जो नौटंकी करते चला आया है और खूब कमाता था, लेकिन बचाया कुछ नहीं, और इस दौर में आके वो भुखमरी के कागार पे पहुंच गया। उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सपना, और सपना आईएएस बनना चाहती है, लेकिन दमा का पेशेंट होके वो बेचारा है जो नौटंकी को संभाल नहीं पाता है, सोनपुर के मेला में जाने से पहले वो बेचारा है जो ईश्वर का प्यारा हो जाता है। देन ग्लोरी जी जो सपना, ये आईएएस का सपना बिखर जाता है और इनके कंधे पे आ जाता है नौटंकी का भार। अगर ये नौटंकी नहीं करती हैं तो कल जितने नौटंकी के कलाकार हैं वो भुखमरी के कागार पे पहुंच जाएंगे। इसलिए ये वो कागार पे ना पहुंचे, वो भुखमरी के है जो दौर में ना जिए, इसलिए सपना जी मतलब ग्लोरी जी, सपना जो हमारे फिल्म की हीरोइन का नाम है, वो जो दिन ये संकल्प लेती है कि आज से नौटंकी ना करके हम लोग आर्केस्ट्रा करते हैं, और जब आर्केस्ट्रा है जो नृत्य का है जो कार्यक्रम होता है तो दिन दूना रात चौगुना ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में फिर ये होता है कि इनकी ज़िंदगी में एक हीरो आता है जो हमारे गौरव जी हैं, एक विलेन आता है जो वन साइडेड लव करता है। इसमें है जो क्या ये आईएएस बन पाती हैं, क्या है जो नौटंकी का क्या अंजाम होता है हमारी कहानी में, एक्शन, इमोशन और कॉमेडी और आपके अच्छे गीत और फुल एंटरटेनमेंट सब्जेक्ट है। जी सर, आपसे जानना चाहूँगा, पहले अपने बारे में बताइए और मैं छत्तीसगढ़ से रिलीज करता हूं और मेरा सुख शांति फिल्म का प्रोडक्शन है। मैं इस फिल्म में पार्टनर हूं कि जो भी हमारे भाई साहब जो बताए हैं ये इज़ द डायरेक्टर, और मैं सबसे पहले तो आप लोगों को सारे मीडिया का भारी हूं जो आपने इतनी बड़ी संख्या में आई, और धन्यवाद। अभी नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, हमारी फिल्म जल्दी जल्दी शूटिंग होने वाली है, जल्दी जल्दी पूरा करेंगे हम लोग और लोगों के मनोरंजन के लिए हम आगे आएंगे। बाकी तो हमारे डायरेक्टर साहब भी बता रहे हैं। थैंक यू। जी मैं 15 अक्टूबर से जहांगीर छत्तीसगढ़ में कर रहा हूँ, 15 अक्टूबर से। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी इतने सारे मीडिया लोग आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी प्रकाश जी के साथ ये दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म थी रानी हमगल त्योहार, और अब ये लव युद्ध जो कि एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और ये हमेशा साफ सुथरी फिल्मों पे ग्रीट करते हैं और एक अलग तरह की ऑडियंस को पकड़ना चाहते हैं कि जिनको गंदी फिल्में अच्छी लगती हैं वो हमारी फिल्म ना देखें चलेगा, लेकिन मैं अच्छी फिल्म बनाऊंगा, अच्छा ही गाना बनाऊंगा, और ये इनका फेथ ही मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करने में। और बहुत ही अच्छे सेट पे हर जगह बहुत अच्छे तरीके से ये पेश आते हैं किसी के साथ में। और सबसे बड़ी बात कि मैंने जब इनका नाम ये लेखक गीतकार निर्माता, ये लेखक गीतकार निर्माता तो थे, निर्देशक तो थे, आज मैंने निर्माता में भी देखा तो बहुत आपको शुभकामनाएं। पहली बार ये लव युद्ध को ये प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे भरोसा है कि एक अच्छी फिल्म बनके बाहर निकलेगी। जैसे कि हमारे दर्शकों को पता है कि मैं कभी भी बेकार और फालतू फिल्में नहीं करने का कोशिश करता हूं, क्योंकि आप लोगों का भरोसा ना टूटे, वैसी ही ये फिल्म है लव युद्ध, अच्छी फिल्म बनेगी। और इसमें फर्स्ट टाइम मतलब हाँ ये काम कर रहे हैं इसमें एज ए फाइनेंसर और पार्टनर, तो
और ग्लोरी मोहंता इसमें हीरोइन है, तो अब ये बताएंगे अपने बारे में। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि प्रकाश आनंद जी के साथ जब मैं स्ट्रगल करती थी, मैं तब से उनके साथ काम कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे एक स्ट्रगलिंग आइटम डांसर से लेके आज इन्होंने मुझे हीरोइन का एक रोल दिया है, उन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा है। आवाज़ आ रही है? साइलेंस प्लीज। तो मैं प्रकाश आनंद जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर डांस के बहाने ही सही कि आपने मेरा प्रमोशन कर दिया, क्योंकि आजकल हीरोइन आइटम सॉन्ग कर रहे हैं तो भाई मेरा भी हक बनता है कि एज आइटम डांसर मैं भी हीरोइन बन जाऊँ। और भगवान करे ऐसे कॉन्सेप्ट सब लोग लेके आए डांसिंग को लेके कि सब लोग को मैं ही नजर आऊँ एज अ डांसर हीरोइन के तौर पर, ताकि मेरा भी घर चले। एंड थैंक्स टू यू सर कि आप छत्तीसगढ़ से भोजपुरी के लिए आपने इतना इंटरेस्ट दिखाया है, और अभी हम नए जगह पे जा रहे हैं शूट करने के लिए छत्तीसगढ़। हम लोगों ने राजपीपला ये करे सब जगह हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया, अब हम छत्तीसगढ़ जाएंगे। एंड थैंक यू गौरव जी कि आपने भी हाँ बोला मेरे ऑपोजिट काम करने के लिए, बिकॉज बींग आइटम डांसर इतने ईजी नहीं है कि मैं इंडस्ट्री में एज अ लीड आ पाऊँ, तो कहीं ना कहीं इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमेशा मेरे चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाते ऑडियंस तक। सो थैंक यू। डेब्यू कर रही हैं आप एज ए हीरोइन, डेफिनेटली बड़ी है डांस। मैंने अपने लाइफ का 25 साल मैंने एज अ डांसर दे दिया, तो आप मुझे कहीं किसी कोने में भी खड़ा करके नचा देंगे तो वो एक कॉन्फिडेंट गेन हो गया है। और जहाँ पे गौरव झा जैसे बहुत बड़े कलाकार हैं मेरे सामने, उन्होंने काफी 15 फिल्मों के ऊपर काम कर लिया है, सीनियर आर्टिस्ट है, तो डर तो लगता ही है कि एक्टिंग में कुछ ऊपर नीचे भूल चूक हो जाएगा, तो अब प्रकाश आनंद जी मुझे संभाल सकते हैं कि सीनियर आर्टिस्ट से मुझे डांट ना पड़े। हाँ, होमवर्क भी चल रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। नौटंकी बाजी वो तो खून में है, 25 साल से नौटंकी कर रही हूँ और आप लोगों के सामने नौटंकी पेश करती रहती हूँ, तो खून में है, ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले इस साल में जो शूट होगी जो पोस्ट प्रोडक्शन में है वो ऐसे ही है, लव युद्ध, वो एक प्रेम युद्ध और चिराग है, दलदल है, हिम्मत है, अग्निपुत्र है, नाम बदनाम है, उसके बाद एक और लेडी सिंघम है जिसमें रानी चटर्जी मेरे साथ में अपोजिट में है, और नाम बदनाम में काजल रघवानी जी मेरे साथ में, और तीन फिल्मों में पूनम दुबे जी हैं साथ में। तो है, अभी सारे फिल्मों का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और जल्दी ही वो मेरे ख्याल से प्रेम युद्ध और चिराग जल्दी उसका रिलीज डेट आएगा बाहर। जिस फिल्म में मैं एज अ लीड हीरोइन कर रही हूँ ये मेरे छोटे भाई का किरदार करने वाले हैं, जो कि अभी तक इनको भी नहीं पता, इनको सिर्फ पता है कि एक्टिंग करने वाले हैं। और हर्ष आप कितने साल के हैं? 7 इयर्स के हैं। और आपने पहले एक्टिंग किया है? नहीं किया है, तो पहली बार करेंगे आप, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे से डरेंगे तो नहीं ना? पक्का ना? अच्छे से कॉन्फिडेंटली करेंगे? डांस आता है आपको? नहीं आता? सिखा देना, तो आपको सिखाऊंगी मैं, ठीक है? तो प्लीज़ मैं बोलना चाहूँगी इनको ब्लेसिंग्स दीजिए, छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन बेटा एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई करना मत भूलना, होमवर्क लेके आना, होमवर्क पढ़ाई इज अ मस्ट, ये सब चलता रहेगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू। देखिए प्रकाश जी के साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है, पहले मैंने उनके साथ की थी रानी हो गई, अब ये है, और इसमें मैं फादर करेक्टर कर रहा हूँ जो मैं हीरोइन का बाप, बड़ा इमोशनल करेक्टर है, करने में मज़ा आएगा। उन्होंने कुछ सोच के मुझे इंतखाब किया है, तो आई ट्राई माई लव बेस्ट, थैंक यू। नैनो अरोरा, प्रकाश जी से मेरी 2-3 महीने पहले बात हुई थी इस फिल्म के बारे में, उन्होंने मुझे बताया था, और आज ये सौभाग्य मिला है कि इस मुहूर्त में मैं आया हूँ, इस फिल्म का हिस्सा हूँ, और इस फिल्म के सारे तकनीशियनों और कलाकारों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ बाकी फिल्म के बाद। जी जय माता दी, आप लोग का प्यार आशीर्वाद कैसे बनाए रखें। और इस समय जो मुहूर्त में आया हूँ, लव युद्ध, ये प्रकाश आनंद जी लेखक भी हैं, गीतकार भी हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, तो
हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, इनके दायित्व है बहुत 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 दायित्व है, बहुत बड़ा दायित्व। हाँ, तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि बड़े भाई हैं और इससे बड़ा दायित्व संभाले और हम लोग को हमेशा बुलाते रहें। इनकी तीसरी फिल्म है और मैं हर फिल्म में इनके काम किया तो इनके साथ काम करके बड़ा मजा आता है और मुझे लगता है इसमें भी मजा आएगा। यह बहुत ही संतोषी, बड़े रिलैक्स डायरेक्टर हैं। मैं इनके साथ काम कर चुका, संजय मेरे साथ ही था एंड वेरी रिलैक्स मैन, बहुत बहुत कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास काम करते हैं और काम निकालना जानते हैं, हसमुख स्वभाव के हैं। कभी कोई गलती डांटते नहीं है, अगर गलती गलती से हो भी गई तो खुदे सॉरी बोल लेते हैं, गलती आप से होगी सॉरी वो बोलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। गलती मिस्टेक से हो गई हमारे सॉरी के बदले वो सॉरी बोलते हैं। अच्छा नहीं एक्चुअली नवरात्र चल रहा है ना तो उपास रखी हुई है। anyway, जय माता दी। मेरा नाम अनुषा शर्मा है और इस फिल्म में मैं सेकंड लीड हीरोइन की अभिनेत्री की भूमिका निभा रही हूँ और बहुत खुशी है इस टीम के साथ जुड़ के प्रकाश आनंद जी के साथ काम करने का मौका मिला। काफ़ी फिल्में इनकी आ चुकी हैं और मैं खुद बिहार से हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं भोजपुरी फिल्म का हिस्सा बनूँ। पहले भी मैंने एक फिल्म की, अभी भोजपुरी रिलीज नहीं है वो, आए हम बराती बारात लेके, और उसमें दिनेश जी की सिस्टर का रोल है मेरा। एक्चुअली मैं टीवी सीरियल्स ज़्यादा करती हूँ, हिंदी मूवी वगैरह किया है और थिएटर से हूँ, बट भोजपुरी से अपना एक खास जो लगाव है उस नाते भोजपुरी करने की मैं बहुत काफ़ी इच्छुक थी और इस बीच मेरी प्रकाश आनंद जी से बात हुई तो अच्छा लगा, कहानी बहुत अच्छी लगी, पारिवारिक फिल्म है, कास्टिंग अच्छी लगी, बहुत सीनियर अच्छे अच्छे कलाकार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो बहुत खुशी की बात है। अभी तो सबसे पहले मुझे बताया गया है कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, ये मुहूर्त के बाद हम लोग इस पे बैठेंगे फिर डिसाइड करेंगे कि किस हिसाब से फिल्म की स्टोरी के ऊपर जो सिचुएशन पर होगा हम लोग जरूर करेंगे अच्छे से। अच्छा बताओ तो ये मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू है तो कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। सर इसमें मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ, बड़े दिग्गज कलाकार हैं जिनमें जिन्हें मैं फिल्मों में देखा करता था, सौभाग्य है मेरा कि आज मैं ऐसे कलाकारों के साथ बैठ के बोलने का मौका मिला और ये सच में एक जो लव युद्ध है ना एक भोजपुरी सिनेमा के लिए सच में युद्ध है क्योंकि इसकी जो कहानी तो अभी सर ने कुछ बताई दी होगी आप लोगों को, कहानी बिल्कुल अलग हट गया है और इसके डायरेक्टर भी प्रकाश जी हैं, इनके साथ मेरी दूसरी फिल्म है, पहले भी कर चुका हूँ मैं रानी हम भोगनी तुहार और इनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आता है, टीवी एकदम हंसते रहते हंसाते रहते, कोई प्रेशर नहीं है, बहुत अच्छा काम, सभी टेक्नीशियन सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और कर भी रहे हैं। उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर, आज एक और फिल्म का मौका। जी जी सर, सबसे पहले मैं भोजपुरी दर्शकों को और सारे आपके मीडिया के लोगों का धन्यवाद करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ऐसे ही उत्साहपूर्वक सारे मुहूर्त में जाएं और सबके बैठ लें। मैं
ये कहना चाहूँगा कि मैं जयप्रकाश सिंह, इस फिल्म में जो हमारे डायरेक्टर हैं प्रकाश आनंद जी, उनके साथ मैंने इसके जस्ट पहले जो है अभी सन की आशिक एक फिल्म, उसमें राकेश मिश्रा के फादर का कैरेक्टर मैंने किया। अब इस फिल्म में मैं क्या करूँगा अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है। उनका इन्विटेशन आया, मैं हाजिर हो गया और आप लोगों से मिलकर मुझे नहायत खुशी हुई। और मेरी अभी कुछ फिल्में रिलीज हो रही हैं, जैसे फर्ज है, वीर अर्जुन है और जान के बदले जान है, ये शायद दिवाली के आसपास आगे पीछे रिलीज हो रही हैं। और सभी भोजपुरी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि वो लोग इस फिल्मों को देखें और आशीर्वाद और प्यार से। नमस्कार आप सबको, लव युद्ध की पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रकाश जी को, सत्या भैया, दिनेश जी, गौरव, ग्लोरी और अनूप सर है, राम सर है, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। नाम कुछ अच्छा लग रहा है, लग रहा है सिनेमा कुछ जो बदल रहा है, तो सिनेमा भी कुछ अच्छा ही होगा। जाए अच्छे से शूट करके आए और इस फिल्म का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। वैसे नवरात्र चल रहा है तो युद्ध की बात नहीं होगी, सिर्फ प्रेम की बात होगी, तो लव के लिए एक्साइटेड हूँ। कहानी अच्छा लग रहा है कि कुछ प्यार के लिए लड़ाई होने वाली है, अब वो देखते हैं लड़ाई किस स्तर की और कितनी होती है। हाँ, वंस अपॉन ए टाइम वेरी लॉन्ग ईयर्स अगो, अब उम्र नहीं बची करने की, अब लात घूसे खाने की उम्र बची है। बस यही कहूँगा कि बड़ी अच्छी फिल्म बनने जा रही है और प्रकाश भैया बड़े अच्छे मेकर हैं और गौरव हैं, ग्लोरी हैं और अनूप जी हैं, राम भैया हैं, तो 100% फिल्म बहुत अच्छी बन के आएगी। और प्रकाश जी की फिल्म का मैं हिस्सा रहा हूँ तो मैं जानता हूँ काम बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे हम उम्मीद। मेरी आने वाली फिल्म अभी ये 4 तारीख रिलीज हो रही है, बागी, खेसारी जी की है, शेखर जी डायरेक्टर हैं उसके। बागी के बाद 18 तारीख को छलिया रिलीज हो रही है, उसके बाद कई फिल्में हैं लेकिन अभी फिलहाल इस महीने में तो 2 फिल्में हैं। मेरी भी इस मतलब ये दुर्गा पूजा के बाद छलिया ही आ रही है, बालेश्वर भी और हम दोनों ही साथ में थे उसमें। और उसके बाद अब जैसे जैसे त्यौहार होते जाएंगे खुद हम लोगों को पता लगता जाएगा कि कौन सा पत्ता खुला है और वो पत्ता देख के हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा सिनेमा आ रहा है। नमस्कार, कितनी अच्छी बात है जो आज आप लोगों के सामने प्रकाश आनंद जी डायरेक्टर और बहुत से सारे चीज़ जैसे कि राइटर भी हैं और इतनी सुंदर फिल्म है। इस फिल्म से मुझे बहुत सारे चीज़ें कुछ पब्लिक कुछ सीख भी जाने वाली है और कुछ सस्पेंस भी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि बहुत ही दिल से और बहुत ही दिमाग से इन्होंने ऐसा इस चीज़ को लिखा है, वाकई बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो कि समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं जो कि लोग भूल चुके हैं, उसको याद दिलाने के लिए और कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ ही इसके अंदर जिक्र किया गया है जो इस जिक्र के अंदर आप जब देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या जिक्र है और कितनी खूबसूरत चीज़ है। खुशी वाली बात यह है कि आज शुभ नवरात्र का समय चल रहा है और इस समय जो शुभ मुहूर्त हुआ है वाकई माता रानी इनको और भी आगे बढ़ाए और ये पूज सक्सेस हुए ताकि जितने भी अपनी यूनिट हैं, जो भी लोग आए हुए हैं, जो भी कलाकार हैं इसके अंदर, आने वाले समय में लव युद्ध सुपर डुपर जाए, ये हमारे माता रानी का कृपा होगी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।